कोर्ट कचहरी, ये कोई हमारा स्मारक बने तो कोर्ट करो। बाप दादाओं ने इतिहास को सुंदरता दी है और जिससे मेवाड़ का गौरव बढ़ाया है, जिसके कारण से मेवाड़ जाना जाता है, उनकी मूर्ति को देखकर आने वाला व्यक्ति सीख के जाएगा कि मेवाड़ क्या चीज है और मेवाड़ के लोगों ने क्या किया है देश और स्वाधीनता के लिए, ये सीख के जाएगा। लेकिन पता नहीं कुछ न कुछ अड़ंगेबाजी अपने यहाँ चलती रहती है। कुछ कलाकार ऐसे है जो आयड़ में ये हो रहा, आयड़ में बदबू आती, तब तेरे को नहीं दिखती थी आयड़ में गंदा पानी बहता था, नाक सिकोड़ करके बाजू से निकलते पुलिया से, तब याद नहीं था? तब तो तेरी कलम नहीं चली रही। अब हमारी कलम, हमने जब इसको बनाने का सोचा 100 करोड़ से भी अधिक है ना, हमने इस पर पैसा खर्च किया और उदयपुर की सारी जनता को लगा करके 2000 डंपर इसमें से कचरा निकाला हमने, कचरा, तब तेरी कलम नहीं चली थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं? आज कलम चलती है कि हम इसका स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। हम स्वरूप नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम बीच में इसे ले रहे हैं, ये जो गंदा पानी है इसको भी ट्रीटमेंट प्लांट से हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा बना करके छोड़ेंगे। फिर भी हो सकता है, आखिर तो भी सीवरेज का पानी है, छोटी मोटी भी कहीं बदबू रह जाएगी, कुछ हो जाएगा तो कम से कम एक चैनल में बह करके निकल जाएगा, एक जगह फैलेगा नहीं, मच्छर नहीं होंगे, खड्डे नहीं भरेंगे, इसलिए उसको चैनल में लेने का प्रयास किया और बाकी बचे हुए सारे स्थान को ठीक तरह से साफ सुथरा बनाकर जहाँ पार्क बन सकता है वहाँ पार्क बना दें, और इसके दोनों तरफ से घूमने के लिए 10 फीट चौड़ा रास्ता कच्चा बनेगा, जिसके कारण से लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे, एक नई हरियाली बनेगी, नया डेवलपमेंट होगा, और जब चाहे जितना पानी आ जाए, मेरे हिसाब से आज की तारीख में जितनी उसकी कैपेसिटी हमने बढ़ाई है ना, उसके कारण से बाढ़ नहीं आएगी। कोई भगवान ही हमसे नाराज हो जाए और टूट पड़े तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतः जितनी कैपेसिटी पहले थी, 73 का सबसे बड़ा बाढ़ का समय था जब ये पुलिया के ऊपर से क्रॉस कर गया था, उस समय में भी मैं सोचता हूँ कुछ नुकसान जरूर हुआ, उससे ज़्यादा कैपेसिटी हमने बढ़ाई। मैं सोचता हूँ कि उदयपुर को सब प्रकार से डेवलप करने के लिए आज की तारीख में आप देखोगे तो जिस घाटी को अपन तीरवा का घाटा कहते हैं, ये तीरवा का घाटा एक तरह से दारू घाटा हो गया था। अभी जाके देखा आपने, जब ये रोड हमने नीचे निकाल दी ना, तो उन सब लोगों के सुरक्षित स्थान हो गया जिनको आराम से बैठ करके पीने का स्थान, अगर इकट्ठा करो तो रोजाना एक बोरी बोतलें इकट्ठी होती थी, उसको जाकर के देखा तो इसको क्या करें, तो हमने इसको कोशिश किया, फॉरेस्ट वालों को कहा यार इसको डेवलप करो, और इसलिए हमने फ्लावर वैली के रूप में डेवलप किया है। आप में से जैसे नहीं देखा हो, आँख से जाकर के देख लेना, वास्तव में आज वो चीरवा का घाटा कितना हरा भरा, और आज कम से कम वहाँ 60 आदिवासी बच्चे अपना रोज गुजारा कर रहे हैं दोस्तों, उनको वहाँ रखने के लिए हमने उनको सुविधाएं दी है। कोविड में भी उनको तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की, उनको 100% हमने पेमेंट किया है। उसके नीचे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया, उसके नीचे आपने देखा होगा कि पुरोहितों का तालाब बनाया, जहाँ पर आप शादी के पहले की कितनी फोटोग्राफी होती है जाकर के आप देखिए, वहाँ पर सज्जनगढ़ को जाके देखिए जहाँ आप और मैं पिकनिक करने जाते थे, आज की तारीख में वहाँ कितने लोग जाते हैं। अभी उबेश्वर नया पॉइंट डेवलप हो सकता है, ये जो अपना जोगी तालाब है नया पॉइंट डेवलप करने का प्रयास किया, नेहला तालाब है जहाँ लेटरिन जाने की जगह थी उसको डेवलप किया है, स्वरूप सागर की पाल पे जहाँ हेडगेवार्ड पार्क बनाया वो भी इसी काम में आता था उसको भी हमने ठीक किया, गोवर्धन सागर इसी काम में आता था प्रातः विधि के लिए, आज की तारीख में गोवर्धन सागर को हमने एक मिनी फतेह सागर बना करके आपके सामने पेश किया है, अगर किसी की आंख हो तो जाकर के उसको देखो, आपको लगेगा जो लोग मुझे मिलते हैं ना वो उदयपुर की इतनी मन से प्रशंसा करते हैं, पर हमारे यहाँ कुछ कमियां निकालने वाले लोग बैठे रहते हैं जो रोज मीडिया में देकर के अपने आप को बादशाह बताने का। अब इतना बड़ा बाग है, इस बाग को रोज साफ करने में हो सकता है 10 जगह कचरा भी पड़ सकता है, 10 जगह थैलियां भी रह सकती है, पर उन्हीं थैलियों का फोटो खींच करके ये तो गंदा हो रहा है तो तू ही उठा लेना यार, क्या तकलीफ हो रही, चलो तू नहीं उठा सकता है क्या, तू भी तो इतनी मदद तो कर यार, खाली लिखने का काम क्यों करता है, 4 उठा के लिखे ना कि 4 मैंने उठाया पर 25 और पड़ी, हम उठाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं करना, तो ये कुछ स्वभाव बन गया कुछ लोगों का। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का नेगेटिव सोच से कभी नहीं बने, इसको ठीक करिए। ये जो दोनों पार्क है ना, ये हमने विनोद जी को दिया है, वो अपना काम कर रहा है, ये आपको खेतान को दिया है, ऊपर जाकर के देखो 500 लोग एट ए टाइम बैठ करके अपनी मीटिंग कर सकते हैं, पूरा पत्थर जड़ा हुआ है
और इतना अच्छा बड़ला का, और मैं सोचता हूँ उदयपुर में इतना बड़ा शिवलिंग कहीं नहीं है जो यहाँ पर ऊपर है, जिसकी पूजा नहीं होती, जिसकी पूजा नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ गोलाबाग को जितना हम अच्छा कर सकते हैं करना। मेरी महापौर जी से घबराने की जरूरत नहीं है, जनता नाराज नहीं होती है, पर ये जो फालतू लोग अगर या गडर मस्तियाँ करते हैं दिन में, उनको रोको यार। हमको बहुत भद्दा लगता है जब कभी भी हम बे टाइम पे आ जाते हैं तो कोई गले में हाथ डाल करके जिस तरह से फोटो खिंचाने बैठता है, उससे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। ये इसके लिए थोड़ी बनाए।